हेलो, दिस इज सोनिया वाधवाया। आज मैं आपको पोएम 6 क्लास 12 की बताने जा रही हूँ, आंट्स जेनिफर स्टाइगर, जिसे एंड्रियन रिच ने लिखा है, जिनका जो बर्थ है बेटा वो 1929 में यूएसए में हुआ था। ये वीमेन का मूवमेंट चला था बेटा उस टाइम पर, उसके लिए बहुत मशहूर हैं, इनकी पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट थी। इन्होंने औरतों के जो एक्सपीरियंस है उन पर ही काम किया है। और जो आंट जेनिफर स्टाइगर आपकी पोएम है बेटा, इसमें भी उन्होंने एक औरत है बेटा, एक वुमन है, जिसके मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। ये वो औरत है जिसका जो मैरिड लाइफ जो है बेटा वो हैप्पी नहीं है, और जिसने अपने हस्बैंड के थ्रू बहुत ज़्यादा कष्ट भोगे हैं, बहुत ज़्यादा दुख भोगे हैं, टॉर्चर हुई है। और उसने अपना जो सिंबल है इस पोएम में वो है लॉयन, शेर को उन्होंने अपना प्रतीक बनाया है, और जो भी बताया है वो शेर के थ्रू उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। आंट जेनिफर ने बेटा एक पैनल के ऊपर, एक ऊनी कपड़े के ऊपर, कपड़े की पट्टी पर शेरों के चित्र बनाया, और वो जो शेर है बेटा वो आज़ादी से घूम रहे हैं जंगल में, और ये जो शेर है बेटा ये आज़ादी के प्रतीक भी हैं। इस पोएम में जो टाइगर्स हैं बेटा वो आज़ादी के प्रतीक हैं, सिंबल ऑफ फ्रीडम हैं। और जो दादी हैं बेटा, जो आंट हैं, जेनिफर हैं, उन्होंने उनके हाथ में हाथी दांत की बनी हुई सिलाई है। आप लोगों ने घर पे बेटा मम्मी के हाथ में भी सिलाइयाँ देखी होंगी और क्रोशिया देखा होगा, उसी तरह से हाथी दांत की सिलाई भी होती है। और आंट जेनिफर जो है उससे टाइगर को, टाइगर के चित्रों को बना रही हैं। और ये जो टाइगर है बेटा जो घूमते हुए दिख रहे हैं पैनल के ऊपर, वो पेड़ों के नीचे खड़े हुए जो इंसान हैं उनसे डरते नहीं हैं। आंट जेनिफर जो है बेटा वो बहुत बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी हैं, और उनके लिए ऊन में से सुई को निकाल पाना भी बहुत मुश्किल है। उनका बेटा जो मैरिड लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा फेल्ड थी, असफल थी। शायद उनके जो हस्बैंड रहे होंगे बेटा, उनका जो बिहेवियर था वो आंट जेनिफर के लिए हार्श था, बहुत कड़ा रहा होगा, जिसका जो बोझ है वो आंट जेनिफर अपने दिल पर भी महसूस कर रही हैं। क्योंकि पोएम में ये कहा गया है कि जो शादी की रिंग है जो उन्होंने पहन रखी है उसे भी वो अपना बोझ समझ रही हैं, यानी कि जो ये रिश्ता है अंकल के साथ उनका, आंट जेनिफर के हस्बैंड का, वो एक बोझ की तरह उनको अंगूठी उनकी लग रही है। जब आंट जेनिफर की बेटा मृत्यु होगी, जब उनकी डेथ होगी, तो उनके जो हाथ हैं जो कढ़ाई कर करके और अपने जीवन के लिए जो उन्होंने अर्निंग की उस कढ़ाई को कर करके, उसके हाथ जो हैं उसके सारे जीवन की व्यथा को बताएंगे। उसने जो जीवन में कष्ट भोगा है वो उसके हाथों को देखकर पढ़ा जा सकता है। उसके हाथ में कड़ा है जो ये भी दिखाता है कि किस तरह उसके पति ने उसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ था, बहुत ज़्यादा जो दुख थे उसने झेले थे। लेकिन अब वो ये पोएट जो है ये कह रही है कि जो उसने शेर बनाया है वो अब भी उछलते कूदते निडरता से घूमते हुए दिखते रहेंगे। आई होप बेटा कि आपको पोएम समझ में आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।